हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप? बढ़िया। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब एंड सिंध बैंक के रुपए प्लैटिनम डेबिट कार्ड के बारे में। ये जो डेबिट कार्ड आपको दिया जाता है, ये बहुत ही कम चार्जेस के साथ आता है और आपको इस डेबिट कार्ड में बहुत ही अच्छा कैश विड्रॉल एंड ट्रांजेक्शन लिमिट का बेनिफिट मिलता है। सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे इसी डेबिट कार्ड के बारे में पूरे डिटेल में, जहां हम बात करेंगे इस डेबिट कार्ड रेट, फीस एंड चार्जेस के बारे में, इसके बेनिफिट्स के बारे में एंड इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सो अगर आप इस डेबिट कार्ड को लेने का सोच रहे हो तो पहले आप इस वीडियो को एंड तक देख लो, आपको समझ आ जाएगा कि आपको इसमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाला है। एंड वीडियो अगर आपको काम की लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इस डेबिट कार्ड रेट, फीस एंड चार्जेस के बारे में। तो अगर आप इस डेबिट कार्ड को लेना चाहते हो तो यहां पर आपको स्टार्टिंग में देना पड़ेगा कार्ड इश्यूएंस फीस जो कि है 150 रुपीज प्लस टैक्सेस। वही अगर इस डेबिट कार्ड की अगर एनुअल चार्जेस की बात करें जो कि हर साल आपको देना पड़ेगा, तो वो भी यहां पर बिल्कुल सेम है, 150 रुपीज प्लस टैक्स। वही हम इस डेबिट कार्ड की अगर हम कार्ड रिप्लेसमेंट फीस की यहां पे हम बात करें कि मान लो अगर आपका कार्ड कभी डैमेज हो जाता है या फिर गुम हो जाता है और अगर आपको अपने डेबिट कार्ड को रिप्लेस कराना पड़ता है, तो यहां पे आपको देना पड़ेगा कार्ड रिप्लेसमेंट फीस जो कि है 150 रुपीज प्लस टैक्सेस। अब बात करते हैं इस डेबिट कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि कौन कौन इस डेबिट कार्ड को ले सकता है। तो अगर आप इस डेबिट कार्ड को लेना चाहते हो तो आपका पंजाब एंड सिंध बैंक में एक अकाउंट होना चाहिए और आप इस डेबिट कार्ड के लिए एलिजिबल हो। अगर आप इस डेबिट कार्ड को लेना चाहते हो तो आपको अपने बैंक के ब्रांच में विजिट करके वहां पे इस डेबिट कार्ड के लिए आपको रिक्वेस्ट डाल देनी है और उसके बाद बहुत इजीली बहुत हाई चांसेस है कि आपको वो ये डेबिट कार्ड जो है आपको प्रोवाइड कर देंगे। अब फाइनली बात करते हैं इस डेबिट कार्ड रिलेटेड बेनिफिट्स के बारे में। तो आपको इस डेबिट कार्ड में बहुत ही अच्छा कैश विड्रॉल एंड ट्रांजेक्शन लिमिट का बेनिफिट मिलेगा। आप अपने डेबिट कार्ड का यूज करके एटीएम से एक दिन में 40,000 रुपीज तक का जो कैश है वो आप विड्रॉ करा पाओगे एंड 40,000 का जो लिमिट है वो बहुत ही अच्छा खासा लिमिट है। साथ ही आप अगर अपने डेबिट कार्ड का यूज करके कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना चाहोगे, मतलब ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन अगर आप करना चाहोगे या फिर अगर आप अपने डेबिट कार्ड का यूज करके कोई भी पीओएस ट्रांजैक्शन करना चाहोगे, पॉइंट ऑफ सेल ट्रांजैक्शन, मतलब किसी भी स्टोर में जाके अपने डेबिट कार्ड को यूज वगैरह करना चाहोगे, तो यहां पर जो आपको एक दिन की जो लिमिट दी गई है वो 150,000 रुपीज तक का यहां पर आपको एक दिन में लिमिट दिया गया है। तो भैया एक दिन में कितना ही ऑनलाइन शॉपिंग करोगे या फिर कितना ही एक दिन में आप पीओएस ट्रांजैक्शन करोगे, तो यहां पर आपको ये भी जो लिमिट दी गई है वो बहुत ही अच्छी लिमिट दी गई है। तो आपको इस डेबिट कार्ड में बहुत ही अच्छा कैश विड्रॉल एंड ट्रांजैक्शन लिमिट का बेनिफिट यहां पे आपको मिलेगा। अगला बेनिफिट जो आपको इस डेबिट कार्ड में मिलेगा वो है रुपए के थ्रू आपको यहां पे एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का बेनिफिट मिलेगा। अगर आपको नहीं पता है कि एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का बेनिफिट क्या है तो मैं आपको शॉर्ट में बता दूं। अगर आप फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं एंड अगर आप एयरपोर्ट में लाउंज में विजिट करेंगे तो वहां पे आपको बहुत सारी सर्विसेज हैं जो कि आपको कॉम्प्लीमेंट्री दी जाएंगी। जैसे कि आपको वहां पे कॉम्प्लीमेंट्री फूड प्रोवाइड किया जाएगा, आपको कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ड्रिंक्स से मतलब हो गया सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गया, जूसेस हो गया, हार्ड ड्रिंक्स आपको नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। आप वहां पे वाईफाई यूज कर सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं जो कि आपको कॉम्प्लीमेंट्री प्रोवाइड की जाएंगी। तो अगर आपके पास ये वाला डेबिट कार्ड है तो आप कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस जो है वो आप कर पाएंगे। साथ ही आपको यहां पे रुपए के थ्रू दूसरे बेनिफिट्स भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपको कभी कभी अमेजोन में कोई बेनिफिट्स मिलेगा, स्विगी में भी आपको कुछ कुछ बेनिफिट्स कभी कभी आपको देखने को मिलेंगे। तो यहां पे आपको रुपए के भी थ्रू आपको यहां पे आपको इस डेबिट कार्ड में बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। सो ये थी डेबिट कार्ड के बारे में सारी चीजें डिटेल में। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो इंफॉर्मेटिव रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।